हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधर। सामने दिख रहा है बिहार दरा का कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, एक यक्ष प्रश्न है। कल एग्जाम हुआ है 17 दिसंबर को और सब लोगों की उत्सुकता है, बिल्कुल ही स्वाभाविक है। 6,66,000 लोग अपेयर हुए हैं, लगभग 85% लोग अपेयर इस एग्जाम में हुए हैं, तो अच्छी खासी संख्या है अपेयरेंस की, क्योंकि सब लोगों को 2 स्टार चाहिए, बहुत ही रॉयल जॉब होता है। तो कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, एक यक्ष प्रश्न है। अलग अलग लोग अलग अलग इसकी दिखा रहे हैं, बट बिल्कुल ही वैज्ञानिक ढंग से हम लोग पहुंचने का कोशिश करें तो कई सारी चीजें हैं जिसके आधार पर कट ऑफ मार्क्स को देखा जाता है। सबसे पहली बात तो कि सीट कितना है, तो सीट इस बार 1200, इस बार सीट जो है 1275 आपका सीट है, और पिछली बार की तुलना में यह कम है। पिछली बार 2223 सीट था, तो 2223 सीट था, तो पिछली बार का जो कट ऑफ है, पिछली बार का कट ऑफ 61 गया था, लेकिन इस बार ऐसा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीट की संख्या भी कम है। दूसरी बात कि पिछली बार का क्वेश्चंस एक ठीक ठाक क्वेश्चंस था, आ जाता है कि मतलब 40% क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सिलेबस से बियॉन्ड गया था, तो इस बार जो क्वेश्चंस का लेवल है ये भी मैटर करता है कट ऑफ मार्क्स तक पहुंचने के लिए। तो एक तो सीट आपका इतना हो गया 1275 है, और 20 टाइम्स रिजल्ट देना है, तो 20 टाइम्स रिजल्ट देना है, तो ये का रिजल्ट जो होगा वह लगभग 26,000 के आसपास रिजल्ट आपका दिया जाएगा 1275 सीट के लिए, 26,000। ठीक है, अब है कि पिछली बार की तुलना में, पिछली बार चूंकि 61 के अगेंस्ट में पिछली बार 61 था, तो इस बार कितना होगा, तो इसके लिए कि क्वेश्चन टफ, तो क्वेश्चंस देखिए इस बार का क्या है, ओवरऑल ठीक है, मतलब बहुत ही टफ भी नहीं कहा जा सकता है, और बहुत ही इजी टॉप टाइप का भी नहीं कहा जा सकता है, लॉलीपॉप टाइप का भी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो मॉडरेट हैं, जो कि जनरली रहता है दरोगा के एग्जाम का, अपनी एक नेचर से है, ये अन एग्जाम से अलग होता है, थोड़ी सी जीके टाइप के क्वेश्चन से है, या कुछ खास सेक्शन से जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस बार भी 60-40 का रेशियो है, जिसमें 60% क्वेश्चंस क्या है, मॉडरेट है, मतलब ठीक है, और 40% क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको चैलेंज महसूस हुआ कि इसका उत्तर क्या होगा, या तो आप नहीं पढ़े हुए हैं, पहली बार आप क्वेश्चंस को देखे, या पढ़े भी हुए हैं तो आप वहां तक आंसर पहुंचने में कठिनाई हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस 40% क्वेश्चंस होता है। ठीक है, 60 में लोग जनरली 40-45 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो 60 मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन होता है, या फिर कहें कि आसान क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, उसमें लोग 40-45 कर लेते हैं, लेकिन अगला जो 40 मार्क्स है वहां से कर पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 45-50 यहाँ पर लोग कर लें, फिर इसके बावजूद भी बार बार थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है, डायरेक्ट हम चीजों पर आते हैं। तो जो अनुमान है पिछली बार के तुलना में, चूंकि सीट भी कम है और क्वेश्चंस भी आसान था, लोगों की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, तो इस आधार पर जो सीन बन रहा है वह आप यह तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस बार भी 61 ही होगा, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और वह 6-7 मार्क्स का ये हो सकता है, 6-7 मार्क्स का अंतर हो सकता है। तो जो हमारा अनुमान है कई चीजों को एनालाइज करने के बाद, और ये लगभग इस उम्मीद है कि सटीक बैठेगा, तो यह जनरल का आप 67, मैं 65 भी नहीं कहूंगा, क्योंकि 65 पर थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन जो लोग भी 70+ में हैं वो लोग तो कंफर्म हो जाए तैयारी आप, क्योंकि एग्जाम में 70% मार्क्स लाना कोई आसान नहीं होता है। ठीक है, तो 70% वाले तो बिल्कुल ही आप कंफर्म हैं,
लेकिन जनरल में, जनरल पुरुष की बातें हो रही है कि 67 मार्क्स भी आपका है तो होने की एक बहुत ही अच्छी उम्मीद होगी, इसलिए कट ऑफ हम 67 को लेकर के चलते हैं और यह एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, एक मार्क्स आप मान के चलिए, ज्यादा नहीं। EWS की जहां तक बातें हैं तो EWS में 3-4 मार्क्स कम रखता है, तो यहां पर मैं 63 के साथ जाना चाहूंगा, 63 EWS का होगा। BC का जो होगा वह एक मार्क्स इससे ज्यादा 64 होगा, ठीक है। फिर निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग इससे कहां तक सहमत है, तो हमारी विश्लेषण है बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को आपने क्या परफॉर्म किया उसके आधार पर बहुत सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। EBS का जो होगा, EBS का इसमें जो BC है वह 64 हो गया और 64 के बाद इसमें थोड़ा सा इसमें 63-62 इसमें मान सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा नीचे रहेगा बीसी की तुलना में, बीसी की तुलना में दो मार्क्स की इसमें कमी देखी जा सकती है। और आगे जो SC होगा, SC में आप मान के चलिए 57 है, क्योंकि इनका इनका थोड़ा सा नीचे रहता है, इनका नीचे रहता है, लेकिन एसटी का क्या होता है, SC से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम 61 मान के चलते हैं, यानी जो पिछले साल का जो जनरल पुरुष का था उसके बराबर इनका हो सकता है, ST का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए रिजर्व सीट काफी कम होता है। तो कुल मिलाकर के यही है। अब इसमें हम लोग फीमेल का देख लेते हैं कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो क्या होगा, तो फीमेल में मान के चलिए कि यहाँ पर 10 मार्क्स का जो फीमेल हो, फीमेल और मेल के लिए है, ठीक है, तो फीमेल में क्या होगा 10 मार्क्स की कमी होगी और यह 57 हो सकता है, क्योंकि दरगाह वाले एग्जाम में थोड़ी सी चीजें देखी जाती है कि अंतर थोड़ा सा ज्यादा होता है और यहाँ पर 51 होगा, ठीक है, यहाँ पर 51 होगा, फिर यहाँ पर 53 हो सकता है, यानी बीसी के लिए 53 होगा। EWS जो न्यूक्ली वीकर सेक्शन के लोग हैं, महिला फीमेल, उनका 51 होगा। अब EBS जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, उनका इसमें 46 के आसपास हो सकता है, इनका काफी यहाँ पर अंतर दिखता है। जो EBC की महिलाएं हैं उनको सबसे अच्छा फायदा मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अलग से सीट होता है। और जो SC महिलाएं हैं, SC महिला आप मान के चलिए कि 39-40 यहाँ भी अंतर काफी दिखता है, और जो ST महिलाएं हैं उनका लगभग 47, ठीक है। तो ये जेंट्स का हो गया और ये महिला का हो गया, ठीक है, ये मेल का और ये फीमेल का। एक बार फिर से 67 जनरल का, EWS का 63, BC का 64, EBS का, EBC का 62, SC का 57, ST का 61 और ये फीमेल का हो गया। इस साइड जनरल में 57 होगा, EWS में 51 होगा, BC में 53, EBC में 46, SC में 30 और ST में 47, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के रिपब्लिका के द्वारा जो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके निकाला गया है। अब इसमें उम्मीद है कि एक मार्क्स ऊपर या एक मार्क्स नीचे हो सकता है, ठीक है, इतना का ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि जो लोग भी 62-63 प्लस में हैं, ठीक है, वो लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। मतलब 63 प्लस में अगर आप हैं, जनरल मेल की बातें कर रहा हूं, ठीक है, 63 प्लस में अगर आप हैं, 63 आपका 63 आ रहा है, शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2-3 मार्क्स इसमें ऊपर नीचे होगा। और भगवान करे हमारी बातें गलत हो और ये जो मैं 67 दिया हूँ 67 ना हो, वह 63 हो, 64 हो, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। लेकिन इसके आसपास से ही होगा, इसके आधार पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर लेंगे। जो लोग ज़्यादा पीछे हैं, निश्चित रूप से मैं कहूँगा
कि वो बिहार इंटरमीडिएट एसएससी इंटरमीडिएट लेवल की जो एग्जाम के फॉर्म भराया जा चुका है उसमें आप लग जाइए, काफ़ी ज़्यादा सीट है और मौका भी बार बार नहीं आता है इसमें, तो फिर भी फिजिकल है, वहाँ पर फिजिकल भी नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और रिपब्लिक आपके प्लेटफॉर्म पर उसकी तैयारी भी कराई जा रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, तो आप जूनियर्स का फायदा उठाइए। तो उम्मीद है कि एक सटीक विश्लेषण आप लोग इसका फायदा उठाएंगे, और कमेंट आप कीजिए कि आपका क्या इसमें आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कहां तक इसे सहमत असहमत हैं, क्योंकि यह भी एक आधार होता है जो पीपल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस का जो सर्वे होता है कि आपने कितना किया है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो डेट्स ओके, फिर हम लोग मिलते हैं।